जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आज मैं छिंदवाड़ा से ही, क्योंकि राहुल के बहुत करीबी है मेरे दादा भाई कमलनाथ जी, मुझे राहुल से पूछना है कि भारत टूटा हुआ कहाँ दिख रहा है, आपको ये बता दो। हमें तो जुड़ता हुआ दिख रहा है, 370 हट गई है, भारत तो जुड़ गया, ज्यादा मजबूती से जुड़ गया है, और हम जो पीओ को है उस पर भी हम दावा कर रहे हैं कि वो भी हम इधर लेके आएंगे। तो भारत तो एक ही बार टूटा है, जब कांग्रेस ने बंटवारा करवा दिया देश का। तो अगर भारत जोड़ना है तो उस हिस्से को लाने की बात करे कांग्रेस, जो भारत टूट गया कांग्रेस के समय पर, जोड़ो की कोई बात ही नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों को हम ही मानते हैं, वो हमने यही सीखा है कि आप किसी को बंधक नहीं बना सकते। मैं ये बात कह रही हूँ, ना हिंदू समाज को, ना अन्य समाजों को, ना किसी जाति को, ना किसी समुदाय को, ना किसी व्यक्ति को आप ये नहीं मान सकते कि हमारे पट्टे में लिखा हुआ है उनको पूरी। हाँ, पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का मतदाता और पार्टी का नेता, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आज मैं छिंदवाड़ा से ही, क्योंकि राहुल के बहुत करीबी है मेरे दादा भाई कमलनाथ जी, मुझे राहुल से पूछना है कि भारत टूटा हुआ कहाँ दिख रहा है, आपको ये बता दो। हमें तो जुड़ता हुआ दिख रहा है, 370 हट गई है, भारत तो जुड़ गया, ज्यादा मजबूती से जुड़ गया है, और हम जो पीओ को है उस पर भी हम दावा कर रहे हैं कि वो भी हम इधर लेके आएंगे। तो भारत तो एक ही बार टूटा है, जब कांग्रेस ने बंटवारा करवा दिया देश का। तो अगर भारत जोड़ना है तो उस हिस्से को लाने की बात करे कांग्रेस, जो भारत टूट गया कांग्रेस के समय पर, जोड़ो की कोई बात ही नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों को हम ही मानते हैं, वो हमने यही सीखा है कि आप किसी को बंधक नहीं बना सकते। मैं ये बात कह रही हूँ, ना हिंदू समाज को, ना अन्य समाजों को, ना किसी जाति को, ना किसी समुदाय को, ना किसी व्यक्ति को आप ये नहीं मान सकते कि हमारे पट्टे में लिखा हुआ है उनको पूरी। हाँ, पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का मतदाता और पार्टी का नेता।